फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास सिक्स के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम सबको पता है कि हम एक अर्थ पे रहते हैं, हमारे जो प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं वो अर्थ है, ठीक है। अर्थ कहाँ पे? सोलर सिस्टम है। अब हम उसी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसी अर्थ के बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो कभी आपने स्काई को देखा है? हाँ, कभी आपने स्काई को देखा है सनसेट के बाद में, ठीक है। आपने देखा होगा रात को कुछ चीज़ें चमकती हैं, कुछ चीज़ें कम चमकती हैं, कुछ चीज़ें ट्विंकल करती हैं, कुछ ब्राइट होती हैं, कुछ कम ब्राइट होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कुछ सिंपली ग्लो करती हैं और कुछ, पहले तो कुछ चमकती हैं लाइक स्टार्स होते हैं वो चमकते हैं, और कुछ मून जैसे होते हैं वो चमकता नहीं है ना, बस शाइन करता है। क्या करता है? शाइन करता है। तो ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं हमारे, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेस के अंदर होती हैं। कुछ चीज़ें चमकती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ ऐसे ही शाइन करती हैं, कुछ मूवमेंट करती हैं, कुछ मूवमेंट नहीं करती हैं। हम वो सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात क्या आती है, जो हमारा मून होता है ना, ठीक है, जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ में हमें मून दिखाई देता है स्पेशली, ठीक है। मून कैसा होता है? मून डिफरेंट शेप्स का होता है ना, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे दिखाई देता है, डिफरेंट शेप का होता है और डिफरेंट पोजीशंस में होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइम पे क्यों दिखाई देता है? अब कभी कहोगे तो हमारा जब दिन छिपता है उसके बाद हमें मून दिखाई देता है, और मून कभी इतनी जल्दी दिख जाता है, कभी बहुत लेट दिखता है, ठीक है। अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग शेप का मतलब कभी तो आपको सिर्फ इतना सा दिखेगा, है ना, कभी आपको फुल मून दिखता है, तो अलग अलग शेप का होता है ना, और क्या, डिफरेंट पोजीशंस पे दिखेगा। पोजीशन मतलब कभी इस साइड दिखेगा, कभी कभी इस साइड दिखेगा सन, कभी स्काई के, कभी इस साइड दिखेगा, कभी इस साइड दिखेगा, तो वो चारों डायरेक्शन में मतलब अलग अलग जगह दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब रीज़न हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा होता क्या है। देखो, जो हमारा फुल मून होता है, जहाँ पे हमें पूरा चांद दिखता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं ना, हिंदी में आपने नाम सुना होगा पूर्णिमा, यानी कि उस टाइम में फुल मून दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद लगभग दो हफ्तों तक ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि 15 डेज में एक वो होता है ना, जैसे 15 डेज के बाद क्या होगा, पूर्णिमा आएगा, और फिर 15 डेज के बाद क्या होगा, ठीक है। तो हमने देखा क्या, 15 डेज के बाद हमारी क्या आ रही है, पूर्णिमा, और 15 डेज के बाद हमारी अमावस्या आती है, ठीक है। अमावस्या को क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। न्यू मून मतलब अब नया मून राइज ही तो होगा ना, पहले पूरा मून खत्म हो गया, मतलब पहले बढ़ता गया, ठीक है, एक पॉइंट आया, ठीक है, जब वो फुल मून था, ठीक है, उसके बाद वो घटता गया, उसके बाद वो बिल्कुल जीरो हो गया, उसके बाद एक न्यू मून की स्टार्टिंग होती है ना, ये जो न्यू मून की स्टार्टिंग होती है, इसलिए हम इसे न्यू मून कहते हैं। किसे? अमावस्या को, ठीक है। हम अमावस्या को क्या कहते हैं? न्यू मून भी कहते हैं, ठीक। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल साफ रात को देखेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से ये दिखाई देता है। अब बात है कि हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या दिन में वो छिप जाता है, किसी के घर चला जाता है? नहीं, वो कहीं नहीं जाता, लेकिन जो हमारा स्काई में जो सन आता है ना, सन की लाइट की वजह से हम उसे देख नहीं पाते। सन की लाइट कितनी होती है? बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है ना, इसकी वजह से जो हमारा चांद होता है वो छिप जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जो सन है, मून है, या फिर बाकी सारे ऑब्जेक्ट जितने भी रात के स्काई में आपको शाइन करते हुए दिख रहे थे, उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। कौन कौन? हमारा सन हो गया, ठीक है, हमारा मून हो गया, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें चमक रही है ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक। अब स्टार्स क्या होता है? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, ठीक है, बड़ी होती हैं साइज़ में और गर्म होती हैं, ठीक। इसमें ये किससे बनी हुई होती हैं? गैसेस से बनी हुई होती हैं। किससे बनी हुई होती हैं? गैसेस से। गैसेस क्या क्या होती हैं? जैसे बहुत सारी तरह की हवाएं, एक तरह से समझ लो आप, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपने नाम सुना होगा ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? गैसेस। इन गैसेस से मिलकर ही बने होते हैं ये बड़े बड़े, क्या ये बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार क्या क्या होते हैं, अब मैंने गोल शेप की बना रही हूँ, क्योंकि सन भी हमारा स्टार है। सन हमारा स्टार कैसे है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है स्टार्स की, वो बड़े होते हैं, हॉट होते हैं। हमारा सन भी बड़ा है और हॉट है। किससे बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। उनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। उनके अंदर की जो गर्मी होती है ना, सन की अपनी गर्मी है ना, इनके अंदर अपनी हीट होती है और अपनी ही लाइट होती है, ठीक है, और इन्हें हम स्टार्स कहते हैं। और सन क्या है? एक स्टार है। अब जितने भी आपको स्टार दूर दूर चमकते हैं, वो तो छोटे छोटे चमकते हैं भाई, ऐसे क्यों चमकते हैं? क्योंकि ये बहुत 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 दूर होते हैं, और हमारे अर्थ के पास का सबसे पास का स्टार कौन सा है? सन है। अर्थ अगर यहाँ है ना, तो सबसे पास में होगा सन, इसलिए हमें सन दिखाई दे देता है। लेकिन ये जो स्टार्स है ना, ये बहुत बड़े तो हैं, लेकिन ये बहुत दूर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा ना, जब आप दूर से किसी को देखते हो, वो छोटा सा ही नज़र आता है ना, ऐसे ही हमें स्टार बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं, ठीक है। अपनी हीट और लाइट होती है इनकी, ये हमें समझ में आ गया, और हमें पता है कि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। जो ट्विंकलिंग स्टार होते हैं, चमकते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बहुत दूर होते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं ना, हमें पता है भाई, बहुत सारे होते हैं, वी नो दैट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये स्टार ना कुछ शेप्स बनाते हैं,
ये शेप्स क्या होती हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी आएगा कि जब आप रात को देख रहे होगे ना, अगर आप कभी ध्यान से नोटिस करो तो क्या होगा कि ये स्टार्स के जो होते हैं वो बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कैसे पैटर्न्स बनाते हैं? अब ये पैटर्न्स देखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे 7 स्टार्स है ना, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 एक साथ ये शेप बना रहे हैं, इन्हें हम सप्तऋषि क्या कहते हैं। क्या इन्हें कहते हैं? सप्तऋषि। या फिर नॉर्थ स्टार देखो, यहाँ से एक लाइन है नॉर्थ स्टार की। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ देखने वाली है कि सप्तऋषि वाली जो शेप होती है, अगर हम वहाँ से एक स्टार पे सीधी लाइन खींचेंगे ना, जो लास्ट वाले दो स्टार्स हैं उनकी सीधी लाइन खींचेंगे तो ये पोलर स्टार बनाएंगे। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे पोलर स्टार क्या होता है। वैसे पोलर स्टार हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में रहने वाला एक स्टार होता है, ये सबसे ब्राइट चमकता है, सबसे ब्राइट स्टार होता है और हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में रहता है। जब पहले लोग डायरेक्शन निकालते थे ना स्टार्स की मदद से, तब नॉर्थ जो डायरेक्शन में रहता था ना पोलर स्टार, इसकी सबसे ज़्यादा मदद लेते थे। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे? एक तो ये सप्तऋषि वाली शेप देखी आपने कि 7 स्टार्स है। ठीक है, 7 स्टार्स कैसे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। ठीक है, और इसके जो लास्ट वाले ये दो हैं, इन लास्ट वाले दो के सीधी लाइन में क्या होगा? एक पोलर स्टार होगा। तो एक शेप तो हमारी ये हो गई। ठीक है, और कौन सी शेप्स होती हैं और देखेंगे, इसके अलावा भी तो बहुत सारी शेप्स बनाते हैं। देखो ये वाली शेप जैसे पोलर बियर वाली हो गई है ना, जिसे हम मेजर अल्ट्रा मेजर कहते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर, ठीक है ये हो गई अर्सा मेजर, ये ग्रेट बियर। ठीक है, ये देखो ये शेप्स बना रहे हैं ना, आपको ये भालू नजर आ रहा होगा है ना, तो ये सारी शेप्स बनाई जाती हैं। तो ये हमारे स्टार्स ही बनाते हैं। कभी आप ध्यान से नोटिस करना और फिर पता लगा के बताना कि आपको दिखाई दिए या नहीं दिए, या फिर स्टार्स ने आपके साथ चीटिंग कर दी। ठीक है, तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया कि ये सारे शेप्स बनाते हैं, उन शेप्स को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक, सप्तऋषि भी हमने अपना पढ़ लिया है। ठीक, अब अर्सा मेजर हमने देख लिया कैसे होता है, हमने सप्तऋषि वाला देख लिया, पोलर स्टार में पता हो गया नौ डायरेक्शन में होता है, हमेशा चमकता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स क्या होता है। हम एक प्लैनेट पर रहते हैं, हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ है। ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट होता क्या है भाई? ऑब्वियसली प्लैनेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? स्टार्स, सन और बाकी सारी जो चीज़ें घूमती हैं। ठीक है, उनमें से एक चीज़ हमारा, हमारे प्लैनेट्स भी तो घूमते हैं। तो अब हम यही देखेंगे कि हमारे प्लैनेट्स होते क्या हैं। हमारे प्लैनेट्स एक ऐसी चीज़ होते हैं जो जिनके पास अपने खुद की ना हीट होती है ना लाइट होती है। बताओ क्या? कुछ भी नहीं होता इनके पास अपना, ना हीट होती ना लाइट होती। किससे लेते हैं ये? अपने आसपास वाले स्टार से लेते हैं। और हमारे आसपास कौन सा स्टार है? हमारे आसपास सन है। तो हम किससे लेते हैं अपनी हीट और लाइट? हम अपनी सन से लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट का ग्रीक वर्ड से निकला है, मतलब जिसे प्लांटिया शब्द, मतलब ग्रीक भाषा में एक शब्द है प्लांटिया, जिससे प्लैनेट निकला है, और उसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स का क्या मतलब होता है? यानी कि जो घूमता रहता है हमेशा। अब ये घूमता रहता है ऐसा नाम क्यों पड़ा? हम जानते हैं सूरज के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, इसके लिए इनका नाम ऐसा पड़ा। ठीक है, अब क्या है कि हम किस पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, जो कि अपनी हीट और लाइट किससे लेता है? सन से लेता है। और सन हमारे से बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे है। हम कहते तो हैं कि क्या सन हमारे पास है, लेकिन अगर हम देखें ना बाकी स्टार की कंपैरिजन में तो पास ही है, लेकिन रियल में ये भी बहुत दूर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, जैसे हम लोग सन के चारों तरफ घूमते हैं और हमारे चारों तरफ कौन घूमता है? मून घूमता है। और जैसे हमें यहाँ से अर्थ से मून दिखाई देता है ना चमकता हुआ गोल गोल, ऐसे अगर हम मून से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें अर्थ दिखाई देगी ऐसी ही चमकती हुई। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है, हमारी सैटेलाइट है जो कि हमारे चारों तरफ घूमती है ना, हमारे चारों तरफ मून घूमता है ना। तो ऐसे ही हमारी तरह जैसे हम हैं एक प्लैनेट, ऐसे ही कितने प्लैनेट है? टोटल 7 और हैं, और इन टोटल कितने हो गए? हम 8 हो गए। तो कितने प्लैनेट है हम लोग? 8 प्लैनेट्स है। अब हम देखेंगे सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सोलर सिस्टम में हमारा आता है सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स। अभी हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स होते क्या है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? कुछ ऐसे उल्का पिंड कह सकते हो, यानी कि ऐसे चीजें होती हैं जो कि टूटी हुई होती हैं और वो चारों तरफ स्पेस में घूमती हैं। वो टूटी हुई कैसे हैं? कहा जाता है कि वो किसी, पहले कोई प्लैनेट होगा वो टूट गया होगा, उसके अंदर कुछ ऐसा बम विस्फोट वगैरह हो गया होगा और उससे जो टुकड़े निकले वो एस्ट्रॉइड बन गए। ठीक है, और मेट्रॉइड्स क्या होती हैं? कुछ पत्थर होते हैं, कुछ और चीजें होती हैं जो ऐसे ही स्पेस में घूमती रहती है, उन्हें हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। सन हमें पता ही है हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हमने पढ़ लिया जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती और चारों तरफ घूमते रहते हैं। सैटेलाइट जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे हमारी सैटेलाइट कौन है? मून, क्योंकि मून हमारे चारों तरफ घूमता है। ठीक है, और कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड क्या होती है? जो कोई प्लैनेट था एक, वो टूट गया। ठीक है, उसके कुछ पीसेस और मेट्रॉइड्स कुछ ऐसे ही पत्थर होते हैं जो हमारे चारों तरफ मतलब स्पेस में रहते हैं। अब देखो ये सोलर सिस्टम कितना प्यारा सा सोलर सिस्टम है हमारा। ठीक है, मजा आता है ना देखने में। देखो यहाँ पे सन है, सबसे पास कौन सा है? मरकरी। उसके बाद कौन सा है? एक सेकेंड फिर से देखेंगे।
हाँ सन है, उसके बाद मरकरी है, मरकरी के पास क्या आया, वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट नजर आएगी। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, ये एस्ट्रॉइड वही एस्ट्रॉइड्स हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े ना कि कोई प्लैनेट होगा पहले, साइंटिस्ट कहते हैं कोई प्लैनेट होगा पहले, वो शायद टूट गया होगा किसी कारण से, कोई बम विस्फोट हो गया होगा वहां पे, कुछ और चीजें गिर के आ गई होंगी और वो टूट गया, उसके पीसेस कहाँ पे आ गए, यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट में आ गए। किस किस के बीच में, ये मार्स के बीच में है और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसके बाद क्या, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब देखो सैटर्न की एक बेल्ट सी गैस की बेल्ट नजर आई है ना, ये बेल्ट क्या होती है, ये बेल्ट इनकी एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या है ये इनकी स्पेशल क्वालिटी, यहाँ देखेंगे जुपिटर सैटर्न और यूरेनस तीनों के पास अपने रिंग है जो कि कुछ गैसेस से मिलके बनी है या फिर कुछ कह दो किसी चीज के मलबे से मिलके बनी है, डेब्रिस से, ठीक है, जो कि उनकी एक स्पेशल क्वालिटी है। अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से देखें, सॉरी माइक्रोस्कोप नहीं टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये हमें नजर आएगी किस किस पास, जुपिटर सैटर्न और यूरेनस। देखो जुपिटर कहाँ है, ये रहा, सैटर्न कहाँ है, ये रहा, और यूरेनस कहाँ है, ये रहा। सैटर्न की तो इतनी चौड़ी बेल्ट होती है, हम ऐसे भी देख लेते हैं इसलिए हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। यूरेनस और जुपिटर की बहुत पतली सी बेल्ट होती है, वो इतनी दिखाई नहीं देती, इसलिए ऐसे डायग्राम में इन्होंने नहीं दिखा रखा, वरना इनकी बेल्ट भी होती है। तो अब हमें दिखाई दे गई हमारा पूरा सोलार सिस्टम कैसा है, ठीक। अब देखते हैं आगे, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन है क्या भाई, सन बहुत ही हॉट है, गर्म है, इतना तो हमें पता है, हम जानते हैं भाई कितना गर्म है, ठीक है। पूरा जो सोलर सिस्टम का सेंटर है वो सन ही है, अभी हमने देखा सन यहाँ था, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे सब घूम रहे थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा है, बड़ा सा शेप का है, एक्सट्रीमली हॉट गैसों से बना हुआ है, ठीक है। और ये एक पुलिंग फोर्स लगाता है, यानी कि एक ताकत लगाता है ये अपने तरफ औरों को खींचने के लिए। ताकत कैसी लगाता है ये, देखो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इसी के चारों तरफ क्यों घूमते हैं, मतलब ये कोई ताकत लगाता होगा ना, ये चारों तरफ ऐसी ताकत लगाता है जिससे लोग इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर घुसते भी नहीं है, ठीक है, इतनी तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, नहीं तो जल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी पावर होती है जो उन्हें इनकी जगह पे टिकाए रखती है सारे प्लैनेट्स को, जो कि कौन लगाता है, सन लगाता है। इसके बाद और क्या करता है सन हमारा, जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम के लिए, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम को यही हीट और लाइट देता है। बहुत ज़्यादा हीट है, जो सन है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। 150 मिलियन आपने मैथ्स में देखा होगा ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन यहाँ आता है, ठीक है। 150 मिलियन मतलब ये हो गया लगभग, ठीक है, 150 मिलियन लगभग इतने किलोमीटर दूर है। हम कह रहे थे कि सबसे पास है, देखो इतना दूर तो ये वैसे हो गया, एक किलोमीटर ही कितना दूर होता है ना, तो ये इतना देख लो आप कितना दूर पास है, देख लो आप ही, ठीक है। अब प्लैनेट देखते हैं, अभी हमने प्लैनेट्स देखा ना, प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं साइज के, वो हमने किसके अकॉर्डिंग देखे कि अर्थ के, वो सन के पास सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा पास कौन था, मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और आपको ये याद कैसे रखने हैं, देखो इन्होंने एक ट्रिक बताई है खुद ही बुक वालों ने, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मेरी बहुत ही एफिशिएंट यानी कि बहुत अच्छे से काम करने वाली माँ ने अभी मुझे क्या करें, नट्स सर्व किए, ठीक है। अब इसे आप याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, ठीक है, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन सा किस डिस्टेंस पे, और आपको ये डिस्टेंस वाइज ही याद रखने हैं, और वे हो भी जाते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक। अब क्या होता है कि जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सोलर सिस्टम में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, इनका एक फिक्स पाथ होता है, ठीक है, जिस पाथ पे वो मूव करते हैं, और ये पाथ बहुत लंबा होता है, और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्बिट कहाँ देखा था अभी हमने, ये देखो ये जो इनकी व्हाइट व्हाइट लाइंस है ना चारों तरफ, जो जिस पे मैंने ड्रॉ किया था अभी, ये देखो ये जो व्हाइट व्हाइट लाइंस है ये इनकी क्या है, ये इनकी ऑर्बिट है, क्या है, ये इनकी ऑर्बिट है, ठीक है। इन्हीं के चारों तरफ वो घूमेंगे, ये इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट करते, ये डिसिप्लिन में ही रहते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही घूमते हैं, ठीक। अब नीचे देखते हैं आगे, आगे क्या है, जो अर्थ का ट्विन है वो किसे कहते हैं, देखो मरकरी एक तो सबसे पास में है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है, कैसे, मरकरी क्या है, मरकरी सबसे पास वाला प्लैनेट है, अभी हमने देखा, जो कि सिर्फ 88 दिन में अपने राउंड पूरे कर लेता है। 88 दिन में कैसे, हमें कितने राउंड लग, हम तो पूरे एक साल में करते हैं ना, तभी तो हमारे एक साल बाद 365 या 366 दिन का होता है ना एक साल, इतने में, क्योंकि हमारी अर्थ पूरा राउंड पूरा करती है सन का, ठीक है, इसलिए मौसम वगैरह चेंज होते हैं हमारे। लेकिन मरकरी देखो सिर्फ 88 दिन में कर लेती है, मतलब देखो कितना पास है मरकरी, है ना, मरकरी सिर्फ 88 दिन में कर लेती है। और हमारी अर्थ का जुड़वा भाई कौन है, हमारी अर्थ का जुड़वा भाई है वीनस। वीनस क्यों है, क्योंकि इसका साइज
और शेप दोनों ही अर्थ की ही तरह है, ठीक है, साइज भी और शेप भी। ऐसा नहीं है कि इसमें भी जीवन है, अभी तो कुछ निकला ही नहीं है, पता नहीं हो या ना हो, क्या पता फ्यूचर में आ जाए, लेकिन क्या है उसके साइज और शेप दोनों अर्थ की तरह है। अभी ना एक और प्लैनेट था, प्लूटो, प्लूटो था पहले, लेकिन पहले हम 9 प्लैनेट्स कहते थे, लेकिन प्लूटो को फिर बाहर निकाल दिया गया कुछ कारणों की वजह से। 9 थे जिसमें हम प्लूटो को जोड़ते थे, लेकिन फिर प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। एक मीटिंग हुई और उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने, कि ये हमारे ग्रह के लायक नहीं है। उसे कहा कि ये डार्फ प्लैनेट है, यानी कि बहुत ही छोटा सा था, इसे प्लैनेट नहीं कहा जा सकता, बोना सा प्लैनेट था वो, ठीक है, और बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उसे प्लैनेट नहीं माना, उसे प्लैनेट की पदवी से हटा दिया। अब देखो यहाँ कुछ दे रखा है, सोल का मतलब क्या होता है, सोल एक रोमन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सोलर, और सोल क्या होता है, क्रिश्चियंस का भगवान है, जो वो सन गॉड कहते हैं, यानी कि उनके लिए सूर्य देव भगवान है, हमारे लिए भी सूर्य देव भगवान है ना, उनके लिए भी है, तो उसी से इन्होंने सोलर नाम रखा है इसका। कुछ और भाषा, कुछ और शब्द जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, हम ज्योग्राफी देखते हैं ना, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है, और जिसमें जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि जहां पे अर्थ के बारे में लिखा हो वही क्या हो गई, ज्योग्राफी हो गई। मैथ्स में पढ़ते हो ना ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, जियोइड मतलब जो अर्थ की शेप होती है। अब देखो अर्थ की जो शेप होती है ना वो सर्कुलर नहीं होती, वो पूरी गोल नहीं होती अर्थ की शेप, अर्थ की शेप ऊपर से थोड़ी फ्लैट होती है, यहाँ से और यहाँ से थोड़ी सी, ये ऊपर से और नीचे, ये जो उनके वो होते हैं ना एक्सिस, वहां से थोड़ी सी फ्लैट होती है, ऐसे थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी ऐसे होती है, मतलब अजीब सी होती है, तो इसे अलग ही शेप दे दिया, जिसका नाम हमने क्या रखा है, जियोइड। जियोइड मतलब अर्थ की शेप, ऑइड मतलब क्या होता है, शेप करना, यानी कि शेप्स निकालना, और जी मतलब अर्थ, तो अर्थ की शेप हो गई जियोइड, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं और क्या है, जो ह्यूमन है ना वो बहुत ज्यादा स्काई को देखता है, लेकिन जो ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। और भारत के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर कौन थे, आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने पहले बता दिया था कि यहाँ क्या होता है कि जो हम लोग अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, और अभी भी क्या करते हैं सारे एस्ट्रोनॉमर ढूंढ ही रहे हैं और कुछ निकल जाए और कुछ निकल जाए। तो चलो अब आगे देखते हैं, हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया, थर्ड लार्जेस्ट है और साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट है, यानी कि उससे बड़े बड़े चार और हैं, उसके बाद साइज में हमारा अर्थ सबसे बड़ा है। शेप हमने पढ़ ली, जियोइड है जिसे हम अर्थ लाइक शेप कहते हैं। कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है किसकी, लाइफ की, इसलिए हम इसे यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ यहीं पर लाइफ पॉसिबल है और कहीं पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ वाटर है, एयर है, जीने के लिए ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इन कारणों की वजह से हम इसे यूनिक प्लैनेट कहते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 2/3 पार्ट किससे घिरा हुआ है, ये इसका पानी से घिरा हुआ है। अभी हम इसको देखो आप इसे, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्काई, ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसका सारा पार्ट किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ये हमें अर्थ ना ऐसी दिखाई देगी जब हम दूर से देखेंगे या मून से देखेंगे, तो इसका 2/3 पार्ट किससे घिरा हुआ है, पानी से। यानी कि अगर कोई 3 हिस्से होंगे ना उसके, तो 2 हिस्से तो सिर्फ पानी से ही भरे होंगे, बस एक हिस्से में क्या होगी, इसकी लैंड होगी, इतना पानी है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम कहते हैं पानी की कमी है, क्यों भाई, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने कम है और वो पानी पीने वाला नहीं है, समुद्र वाला पानी ज्यादा है, ठीक है। अब हमने अपनी अर्थ के बारे में तो पढ़ लिया, अब मून क्या होता है, मून हमने देख लिया सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट क्या होती है, जो हमारे चारों तरफ यानी कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, ये क्या है, सैटेलाइट है। और ये सिर्फ 1/4 है, मतलब अगर अर्थ के पास 4 ट्रॉफी है ना, इसके पास सिर्फ 1 ही ट्रॉफी है, मतलब ये इतना छोटा है। कैसे, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अर्थ इतनी बड़ी है तो ये सिर्फ इतना सा होगा, मून इतना सा छोटा सा है, ठीक है। तो ये है, और ये कितनी दूर है हमसे, 384,400 किलोमीटर दूर। हम कह रहे थे कि मून हमारे पास में, इसलिए हमें मून दिखाई देता है, ठीक है। अब देख लो कितना मून पास में है, मतलब स्पेस देखो आप कितना बड़ा है ना, मतलब हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, मून हमारे चारों तरफ चक्कर कितने में लगाता है, 27 डेज में लगाता है, ठीक है, लगभग एक महीने की बात है, ठीक है, लगभग एक महीने में लगाता है, ठीक है, लगभग 27 डेज में लगाता है। और ये अपनी जो चक्कर लेता है ना, अपने चारों तरफ भी घूमता है, मतलब एक तो ये हमारे चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, और ये अपने पॉइंट पे भी ऐसे ऐसे घूम घूम के ही चल रहा है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे शेप में चल रहा है। तो अपने चारों तरफ भी 27 डेज में पूरा करता है और अर्थ के चारों तरफ भी 27 डेज में, तो इसलिए हमेशा सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है हमें। एक ही साइड क्यों, क्योंकि हमारे चारों तरफ जितने दिन में चल रहा है उतने ही दिन में अपने चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ भी तो ऐसे ही घूमती है, तो इसलिए हमें सिर्फ एक ही साइड इसकी दिखाई देती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, कुछ सैटेलाइट ऐसी होती हैं जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं, जैसे अभी आपने मंगल मिशन मूवी देखी है, अगर नहीं देखी किसी ने तो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो मंगल मिशन में क्या होता है, वो मंगल पे एक मिशन भेजते हैं, वो अपने एक सैटेलाइट ही तो भेजते हैं जिससे हम क्या पता लगा सकें वहां पे जीवन है या नहीं है। बहुत सारे अपने अभियान भेजते हैं ऊपर स्पेस में, ठीक है, चांद पे भी हमने भेजा था अभी रिसेंट में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी। अभी हमारा चांद वाला पास नहीं हो पाया, मतलब हम चांद के पास जाने से पहले क्रैश हो गया, देखते आए होप आगे होगा जल्दी। तो फिर हम और पता लगाएंगे कि मून पे जीवन है या नहीं है, तो ये सब हम लोग करते ही रहते हैं। मून कैसा होता है, मून पे शेप हमें दिखाई देती है, मून पे बहुत ज़्यादा शेडो होती है, छाया होती है। क्यों? क्योंकि मून में कहीं पे तो क्या है, पहाड़ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गड्ढे आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ना मून पे क्या बनती है, शेडो बनती है। ठीक है, जो आपने देखा हो, जो हम कहते हैं ना चांद में भी दाग है, वो जो दाग होता है ना चांद वाला दाग, वो शेडोज होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एस्ट्रॉइड। मैंने आपको बता ही दिया कि एक प्लैनेट होगा वो टूट गया होगा, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में उसकी बेल्ट होती है, हम पढ़ चुके हैं। मेट्रोइड्स क्या होते हैं, मेट्रोइड्स क्या होते हैं, वो रॉक के स्मॉल पीसेस होते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि चारों तरफ घूमते रहते हैं ऐसे ही हवा में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अर्थ के पास आने के लिए क्या हो जाते हैं, अर्थ के पास आने को तैयार हो जाते हैं ऐसे, मतलब अर्थ में ही फूट जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं फूटते, कभी कभी क्या होता है कि अर्थ में जो गर्मी है ना, अर्थ के अंदर थोड़ी सी वो जो सन से गर्मी लेती है अर्थ की, तो उसकी हवाएं गर्म रहती हैं, तो इसकी वजह से मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, जल जाते हैं। और अगर वो पूरी तरह नहीं जलते तो क्या होता है, वो बीच में ही क्या होता है, थोड़ा सा लाइट की वजह से स्पार्कल हो जाता है, और फिर वो हमें कभी कभी स्पार्क दिखती है बहुत ज्यादा स्पेस में। ठीक है, मतलब अगर हम कभी मेट्रॉइड कोई फूटा तो फिर क्या होगा कि बहुत ज्यादा लाइट दिखाई देगी, यानी कि वो एकदम से भम करके फूट जाएगा पूरा। ठीक है, चलो अब हमने ये भी पढ़ लिया। और उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी अर्थ में होल हो, यानी कि बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर जाता है वो। ठीक है, जैसे आपने वो पिक्चर देखी जादू, वो सैटेलाइट आती है ऊपर से, एलियन आता है, अब पता नहीं एलियन है या नहीं है, बट कुछ ऐसा ही होता होगा। ठीक है, कि एकदम से लाइट वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब क्या है, गैलेक्सी एक चीज़ होती है। गैलेक्सी क्या होती है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी किसी चीज़ में है। आपने कभी कभी आसमान में देखा होगा व्हाइट बैंड, अभी हम देखेंगे यहाँ पे। देखो ये जो फोटो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर का बैंड है ना, ये वाला जो बैंड है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने कभी कभी देखा होगा, ठीक है, ये व्हाइट बैंड कैसा होता है, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो एक साथ होते हैं, और इस बैंड को हम, जिस बैंड में है, हम अपने बैंड को क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग समझते थे कि आकाश में नदी बह रही है, जैसे गंगा नदी है ना, ऐसे आकाश में तारों की नदी है, इसलिए इसे हम क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, आकाश गंगा, यानी कि आकाश में बहने वाली गंगा। ये गैलेक्सी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और बिलियंस ऑफ स्टार्स और गैसेस के क्लाउड के साथ होती है। एक तो गैस के क्लाउड और बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और इसका एक पूरा बैंड होता है, इस बैंड को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और हमारे और गैलेक्सी में क्या होते हैं, बहुत बड़ा यूनिवर्स में गैलेक्सी होती है, यानी कि ये जो गैलेक्सीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं पूरी यूनिवर्स में। आप सोचो कि एक तो सोलर सिस्टम ऑलरेडी इतना बड़ा था, पहले तो अर्थ इतनी बड़ी, ठीक है, फिर सोलर सिस्टम इतना बड़ा, फिर सोलर सिस्टम जिसमें वो गैलेक्सी इतनी बड़ी, अब गैलेक्सी इतनी बड़ी है और यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है हमारा, है ना। तो इससे हमें ये एकदम से हमें समझ में आ गया कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी एक बड़ा सा सिस्टम है, किसका, स्टार्स का और डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स का, यानी कि वहाँ पे बादल है किसके, डस्ट के और गैस के। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। अभी देखो जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्या था वो, ये देखो हम किस में, अर्थ में, अर्थ किस में, सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम किस में, मिल्की वे गैलेक्सी में, और ऐसी कितनी सारी गैलेक्सी एक यूनिवर्स में, तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है। और हमारे एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, इसे ही ढूंढने में लगे हुए हैं, इसे और खोजने में लगे हैं, देखते हैं कब तक कहाँ पहुँचेंगे। अब क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर है, क्या क्या क्वेश्चन आंसर है, हम जानते हैं भाई कि स्टार और प्लैनेट क्यों डिफरेंट है, हमने पढ़ लिया है। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, प्लांट्स को, वो प्लैनेट्स को अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस लगाना है, पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर ऐसे आप कर ही लोगे। ठीक है, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवन है। ठीक है, मून सिर्फ एक साइड क्यों दिखता है, क्योंकि मून अपने चारों तरफ भी 27 डेज में घूमता है और अर्थ के चारों तरफ भी 27 डेज में घूमता है। यूनिवर्स क्या होता है, बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सीज से मिलके, मिल्की वे गैलेक्सी तो हमारी गैलेक्सी का नाम है, बहुत सारी गैलेक्सी से मिलके यूनिवर्स बनता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं और बाकी भी आप टिक मार्क भी आप कर ही लोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब हम आगे देखते हैं, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जो भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।